मतलब 20% फ्यूल सेविंग इस ट्रैक्टर में उपलब्ध है। और ये जो मॉडल हम मैं दिखा रहा हूँ आपको 60 EPI है, जो 50 HP का ट्रैक्टर आता है। हाँ जी, और ये क्लासिक सीरीज में है। अभी बात करेंगे ये F20 होता क्या है। तो आप मानेंगे नहीं कि पूरे विश्व में ये ऐसा एक ट्रैक्टर हमने लॉन्च किया फार्मट्रैक के अंदर, जो एक ही इंजन आपको 2 HP प्रदान करेगा। जैसी जरूरत वैसा आप HP इस्तेमाल करोगे। जैसे कि इस ट्रैक्टर में 50 HP का इंजन भी है और 40 HP का इंजन भी है। जैसी आपकी जरूरत होगी वैसे आप HP को सिलेक्ट करोगे। वही है F20 जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये इसका फायदा क्या है, 2 HP का इंजन एक ही ट्रैक्टर में। फायदा ऐसा है, जब लोड की जरूरत है, जब कल्टीवेटर हो गया या प्लाउ हो गया, बड़ा वाला चला रहे हो जिसमें लोड ज्यादा चाहिए, दम ज्यादा चाहिए, तो 50 HP में इसको सिलेक्ट कर लो और पूरे लोड से ये आपको काम करके देगा। उसी प्रकार जब लोड कम है, छोटा इंप्लीमेंट लगा रहे हो, तो पूरे 50 HP की जरूरत है ही नहीं, तो आप करोगे क्या, तो आप 40 HP इस्तेमाल करोगे, सिलेक्ट करोगे और इस्तेमाल करोगे। इससे क्या बचत, 20% की गारंटीड है, बचत ही बचत होगी आपको। ठीक, तो आइए ये ट्रैक्टर की पूरी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। तो इसके अंदर ABL डिजाइन का एक 3 सिलेंडर इंजन है और इसके इंजन को डीजल स्प्रे करने के लिए हमने इनलाइन FIP दिए हैं, माइक्रो बॉश का है। इसको लंबी उम्र मेंटेनेंस फ्री करने के लिए हमने यहाँ वाटर सेपरेटर दिए हैं, देख सकते हो। और इसके इंजन की खासियत यह है कि क्योंकि ये क्लासिक सीरीज में आ रहा है इंजन, तो इसका जो इंजन है वो लिक्विड सील्ड इंजन आएगा। आप शायद ही सुना होंगे, लिक्विड सील्ड माने लीक प्रूफ इंजन। ठीक, और इसका जो फिल्टर्स भी आएंगे, देख सकते हो डीजल की फिल्टर भी एक है, उस तरफ जब जाएंगे मैं हाइड्रोलिक फिल्टर भी दिखाऊंगा आपको इंजन फिल्टर के साथ। तो ये सारे फिल्टर्स जो हैं, पहले जो हम करते थे 300 घंटे में एक बार चेंज करते थे, अभी जो है पूरे 500 घंटे तक ये फिल्टर चेंज कर सकते हो। मतलब 500 घंटे तक फिल्टर या सर्विस करने की जरूरत है ही नहीं। इंजन का तेल हो गया, फिल्टर हो गया, 500 घंटे के बाद ही करोगे। मतलब किसान अभी सीजन में पूरा अपना काम करेगा खेत में, सोचेगा नहीं कि हाँ मुझे बीच में जाके सर्विस करा के आना है। पूरा अपना सीजन निकल जाएगा, फिर अपना ट्रैक्टर बाद में सर्विस करा सकते हो, तो वहां भी आपका बचत होगा। चलिए इस ट्रैक्टर में देख सकते हैं और भी खूबियां हैं। बढ़िया सा कलर दिए हैं जो फेड प्रूफ है, और इसकी जो साइड माउंटेड बैटरी बॉक्स है देख सकते हो, रोबस्ट लुक के साथ एक पंप ट्रैक एंजन के साथ हमने इसको बनाया हुआ है। इसकी और एक खासियत है कि बैटरी जितनी स्टार्टर मोटर के पास होती है तो उसकी केबलें जो है छोटी होती हैं। केबल छोटी माने करंट कम खींचेगा और बैटरी की लाइफ लंबी आएगी। चाहे तो इसको लॉक भी लगा सकते हो सेफ्टी के लिए। ठीक है जी, आइए और ये ट्रैक्टर में देखेंगे जो हमने आगे के पहिए दिए हैं, साइज 7.5 16, मतलब 7.75 इंच जो है इसकी चौड़ाई हो गई और 16 इंच जो है इसकी अंदर की डाया हो गई। बड़े टायर दे रहे हैं क्योंकि बड़ा HP का ट्रैक्टर है। आगे आइए, आगे से आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लुक हमने इसके अंदर दिए हैं। फार्म ट्रैक का एक बढ़िया सा डेकाल दिए हैं क्रोमियम लाइनिंग के साथ, देख सकते हो क्रोमियम लाइनिंग यहाँ पे आ गया। और 60 जो बढ़िया ब्रांड है मार्केट में, इसको हमने इस तरीके से इसको पेश किया हुआ है। और इसकी जो फ्रंट ग्रिल भी आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि एकदम सपाट है, इसके अंदर बहुत सारे हमने ऐसे वेव्स बनाए हुए हैं। ये वेव्स बनाने का कारण क्या है, देखिए जब हवा आगे से लगता है ट्रैक्टर को, तो हवा का मुख क्या है, यहाँ टक्कर जितना अंदर जाना है अंदर जाएगा, फिर बाद में बाहर ऐसे फिसलने की कोशिश करेगा। ये वेव्स होने की वजह से क्या होगा, ये हवा जो है टक्कर खा के अंदर घुसेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे ना ट्रैक्टर को बहुत फायदा होता है, तो वो चीजें इसमें बनाई गई हैं। और इस पहला ट्रैक्टर कंपनी है पूरी इंडिया में जो हेलोजन हेडलैम्प के साथ 11 LEDs सर्कमफेरेंस में दिए हैं, देख सकते हो गोल आकार में 11 LEDs दिए हैं इसके अंदर। हाँ जी, और इसकी फ्रंट एक्सल आप देखोगे, देख सकते हो फ्रंट एक्सल, यहाँ दो बोल्ट है, यहाँ दो बोल्ट है, और ये टेलीस्कोपिक है। मतलब इसकी जो फ्रंट एक्सल है, या तो आप चौड़ा या छोटा दोनों कर सकते हो। हाँ, इसको बोलते हैं फ्लेक्सी एक्सल हम बोलते हैं। इसका फायदा यह है कि अगर आप ये ट्रैक्टर
कोई आलू की खेती है या कोई रो क्रॉपिंग है जिसमें आप बीच में नाली बनाना हो पानी का, या मेड़ बनाने हैं, या बीच में आपको कोई खरपतवार हटाने हैं जब पौधे इतने इतने बड़े हो गए हैं बीच में चलाना है, तो जैसे आपकी खेत की नाली होती है उसके हिसाब से इसको सेट कर लोगे आप, फिर बाद में इंटर कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये फायदा है फ्लेक्सी एक्सेल का, ठीक है जी। और ड्राइवर की आराम के लिए हमने क्या किया, इसके अंदर बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग। हाँ, बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग का मतलब ये है कि ये पावर स्टीयरिंग का सिलेंडर है और दोनों तरफ इसके एक्टिवेटिंग रॉड्स आते हैं। मतलब देख सकते हो यहाँ पावर स्टीयरिंग का एक्टिवेटिंग रॉड इधर भी है। हाँ जी, इस तरफ आइए, पावर स्टीयरिंग का एक्टिवेटिंग रॉड इधर भी है। तो इसमें नीचे वाले कोई लिंकेजेस नहीं है, बस यही दो लिंक है जिससे पूरी पावर स्टीयरिंग कटती है। मतलब ड्राइवर को फायदा क्या, एक उंगली में पूरी ट्रैक्टर को वो खेत में काट सकता है, कम मेहनत ज्यादा काम। और इसको मेंटेनेंस फ्री करने के लिए पावर स्टीयरिंग को, तो हमने इसके अंदर क्या दिए हैं, हमने इसके अंदर देख सकते हो पावर स्टीयरिंग का एक सेपरेट ऑयल बॉक्स दिए हैं। ये बहुत ही स्पेशल ऑयल बॉक्स है जिसके अंदर 2.5 से 3 लीटर का ऑयल लगता है, पावर स्टीयरिंग का सेपरेट ऑयल। तो पावर स्टीयरिंग जब चलाओगे तो खाली इस डब्बे के अंदर से तेल इस्तेमाल करेगा। अन्य ट्रैक्टर में होता क्या है, या तो वो गियरबॉक्स या हाइड्रोलिक का ऑयल इस्तेमाल करता है, उसमें गंदगी आ गई तो पावर स्टीयरिंग के अंदर भी वो गंदगी जा सकता है। इससे होगा क्या कि पावर स्टीयरिंग का जो आपका सीलें हैं वो खराब हो सकती है, सिलेंडर खराब हो सकता है, मेंटेनेंस आ सकता है। ये अलग से डब्बे देने से दो फायदे हैं, एक आपका पावर स्टीयरिंग मेंटेनेंस फ्री हो गया, दो जैसे कि आपको तेल बदलना है तो 2.5-3 लीटर बदलना है, 25-30 लीटर बदलने की जरूरत नहीं है। और तीसरा बेनिफिट भी है, जैसे कि अगर मैं ये ट्रैक्टर कोई हिमालय जैसे ठंडी जगह में इस्तेमाल कर रहा हूँ तो तेल अक्सर पिघल जाता है, तो अगर आप अलग सा तेल इसमें डालोगे जो पिघले ना, हाँ, तो उससे होगा क्या कि या गर्म प्रदेश में तो आपका पावर स्टीयरिंग एक जैसे ही काटेगा, एकदम से काटेगा या मजबूती से काटेगा, ठीक है। इधर आइए, और इसकी फ्रंट सपोर्ट की बात करें तो ये देख सकते हो ये पूरी की पूरी एक कास्ट आयरन की सपोर्ट है, यहां से शुरू होकर ये इंजन बेड तक यहां तक, हाँ, ये पूरी की पूरी चीज एक ही है। हाँ, ये पूरी की पूरी कास्ट आयरन लोहे से बना हुआ है और करीब करीब 110 किलो तक ये होता है। तो इससे फायदा क्या है कि पूरी आपको फ्रंट एक्सल की सपोर्ट मजबूत बनेगी और फ्रंट रिएक्शन फोर्स बढ़ेगी, मतलब फ्रंट लिफ्टिंग ना के बराबर होगा जो हम दे रहे हैं इसके अंदर। और ये देखिए छोटी सी चीज है जो स्पिंडल जो हम बताते हैं अक्सर गोल आकार होती है, ये चौकोर में दिए हैं, मतलब चारों तरफ से इसकी लॉकिंग होती है, तो मतलब ये हैवी ड्यूटी स्पिंडल हम दे रहे हैं आगे से। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि फिल्टर के बारे में, 500 घंटे में एक बार फिल्टर बदलोगे, देख सकते हो ये सफेद वाले स्पेशल फिल्टर है जो हम देते हैं क्लासिक सीरीज के अंदर, 500 घंटे सर्विस वाले फिल्टर हैं ये दो, ठीक। और 35 एम्पियर का हम अल्टरनेटिव दे रहे हैं, और यहाँ देख सकते हो हम दे रहे हैं इसके अंदर टैंडम पंप। टैंडम पंप माने पावर स्टीयरिंग का पंप और हाइड्रोलिक का पंप दोनों साथ में लगाया हुआ है। इसका मतलब है ये लाइव हाइड्रोलिक, इंजन चालू तो हाइड्रोलिक चालू। और आइए थोड़ी और चीजें आपको ट्रैक्टर पे बैठ के दिखाएं। ट्रैक्टर में चढ़ने के लिए देखिए एक अच्छा सा फुट स्टेप इन्होंने दिया हुआ है, पैर रखा और यहाँ एक हैंड होल्ड है, पकड़ते हुए मैं चढ़ गया। सीट तो बहुत आरामदायक है, पहले एक ही ट्रैक्टर कंपनी है जो इतनी बढ़िया सीट देती है, एडजस्टेबल 5-way एडजस्टेबल डीलक्स सीट है, ऊपर नीचे आगे पीछे, और मैं 70 किलो का हूँ, वेट के हिसाब से भी इस सीट को आप एडजस्ट कर सकते हो। देख सकते हो कि यूजुअली सीट का सपोर्ट जो होता है इतना ही होता है, मगर इसका जो बैक सपोर्ट है यहाँ ऊपर तक है, मतलब पूरा मेरा पीठ जितना भी काम करूँ आरामदायक मैं काम करते रहूँगा, कम्फर्ट लेवल देखते हो। और भी देख लो कम्फर्ट लेवल पूरा, मैं पैर बिछा के भी, दोनों पैर बिछा के भी बैठ जाऊँ तो इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिए हैं इसके अंदर, कितना भी लंबे आदमी हो आराम से इसमें काम कर सकते हैं। बीच में कोई गियर गिरारे नहीं है, हाँ, तो बीच में पूरा खाली स्पेस है, तो पैर भी आराम से रख सकता हूँ क्योंकि साइड शिफ्ट गियर्स बॉक्स इसके अंदर हमने दिए हैं, ठीक है।
देख सकते हो ये एक्चुअल साइड शिफ्ट है, ये गियर लीवर देख सकते हो, यहाँ नीचे जाके प्लेटफॉर्म से नीचे जाके गियर बॉक्स के अंदर जाते हैं, तो ये होता है एक्चुअल साइड शिफ्ट। तो ये गियर लीवर साइड शिफ्ट होने, ये अन्य ट्रैक्टर में होता क्या है कि गियर लीवर यहाँ से निकलते हैं बीच से, यहाँ से तोड़ मरोड़ के वो साइड में ले आते हैं और बोलते हैं हमारा साइड शिफ्ट है, वो एक्चुअली डुप्लीकेट साइड शिफ्ट है। असली साइड शिफ्ट होता है जो यहाँ से जाए प्लेटफॉर्म के नीचे जाके वो गियरबॉक्स के अंदर जाए। तो ये स्पेशली डिजाइंड है, फायदे इसके कि मुझे झुकना नहीं पड़ता है, और दूसरा ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता जब मुझे गियर लगानी होती है, दो उंगली से गियर लगा सकता हूँ। जैसे गियरबॉक्स की बात ही कर रहे हैं, जैसे भी हमने जिक्र भी किया था ये 2 HP का इंजन है, तो ये कैसे, ये जो लीवर दिख रहा है आपको, दिख रहा है लेफ्ट में तीसरा लीवर, हाँ ये स्पेशल लीवर है या एको मोड लीवर भी बोल सकते हो। जब भी मुझे लगता है कि मैं इस ट्रैक्टर को एको मोड मतलब कम HP वाले मोड में चलाना चाहता हूँ, तो मैं इसको आगे कर दूंगा क्लच दबा के। तो यहाँ देख सकते हो मीटर के अंदर दिख रहा है आपको एको करके लाइट आती है, इसका मतलब यह है कि ये एको मोड में आ गया। अब देखिए एको मोड हट गया, एको मोड आ गया, ठीक। मतलब एको मोड माने ये 40 HP का इंजन बन जाता है। और दूसरा, अगर आप पहले आप लोड पे जा रहे थे H4 में जा रहे थे, तो सोचिए 2021 में फुल स्पीड में आप जा रहे हो तो आपको करीब करीब 35 किलोमीटर स्पीड मिलता है, 35 स्पीड। और जब मैं इसको आगे लगा देता हूँ तो इंजन के RPM ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाएंगे 1450, मगर स्पीड वही का वही रहेगा, 35 किलोमीटर स्पीड। कम RPM में पूरी स्पीड पकड़ेगी, माने आपका करीब करीब 700 RPM मिनट के बचेंगे, मतलब तेल की बचत ही बचत। सोचिए आप जब जा रहे हो लोडेड ट्रॉली के साथ, तो आप इसको पावर मोड में लेके जाओगे, पूरा माल गिराओगे, अक्सर होता क्या है वापसी में खाली ट्रैक्टर आना पड़ता है, तभी भी आप 50 HP में आओगे तो बहुत डीजल खाएगा। तो मैं इसको 40 HP मोड में लगा देता हूँ, RPM ऑटोमेटिकली 1450 में गिर जाते हैं और स्पीड वही का वही रहेगा, हाँ ओवर ड्राइव की स्पीड इसमें उपलब्ध है 35 किलोमीटर स्पीड। तो क्या चाहिए और डीजल की बचत के साथ, ठीक है। आइए और भी चीज़ें मैं इस ट्रैक्टर में दिखाऊँ आपको। इस ट्रैक्टर में जैसे कि ये जो लीवर देख रहे हो, ये लीवर को हम बोलते हैं TTO सिलेक्शन लीवर। जब मैं इसको आगे करूंगा तो ये 540 चक्कर मिलेंगे PTO में, जब मैं इसको पीछे करता हूं तो ये MR PTO में बदल जाता है, मतलब मल्टी स्पीड रिवर्स PTO इसमें उपलब्ध है। 540 चक्करों में आप क्या चलाते हो, आप चला सकते हो अपना रोटावेटर, थ्रेशर, रीपर। तो अगर मैं और 4 स्पीड आपको ज़्यादा दे दूँ तो और भी उपकरण जो एफिशिएंटली आप चला सकते हो, वाटर पंप हो गया, अल्टरनेटर हो गया, एफिशिएंटली चला सकते हो, कम RPM में पूरा उपकरण का फायदा उठा सकते हो। और जब भी सोचिए थ्रेशर वगैरह में आपका कोई जो आदमी है जो ऊपर से उसको भर रहा है, वो ज़्यादा भर दिया और वो चोक हो गया, तो उसमें करने की सिंपल बात है, इसको आप MR PTO में लगा दो और रिवर्स गियर डाल दो, वो जो PTO उल्टा घूम जाएगा, जो भी फंसी हुई चीज़ है थ्रेशर में वो फट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है जी। और इसके अंदर देखिए और भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये है ट्रांसपोर्ट लॉक, जैसे जानते हो इम्प्लीमेंट को उठा के वहाँ बांधने के लिए ये फायदेमंद होता है। और ये है अपना हैंड ब्रेक, जट फट लगाया और जट फट निकाला, ठीक है जी। और आइए अभी हाइड्रोलिक लीवर की बात करें, थोड़ा इस तरफ आ जाइए, हाँ इस ट्रैक्टर में देखिए हमने 3 हाइड्रोलिक लीवर दिए हैं, स्टैंडर्ड फिटमेंट तीनों। पहले हम बात करेंगे ये फेंडर वाले लीवर से, इसको बोलते हैं पोजीशन लीवर, लिखा भी है इधर पोजीशन लीवर। पोजीशन लीवर का फायदा यह है कि ये आप उपकरण जैसे रोटावेटर, लेवलर, सीड ड्रिल, जिसको सेंसिंग की जरूरत नहीं है वैसे उपकरण इसमें चला सकते हो। और दूसरा लीवर का नाम है ड्राफ्ट लीवर, लिखा भी है इधर, माने इसके अंदर ADDC सेंसिंग है, जो उपकरण जैसे MB प्लो हो गया, कल्टीवेटर हो गया, सब सॉइलर हो गया, वो सारे उपकरण आप सेंसिंग के साथ इसमें चला सकते हो। और इस ट्रैक्टर में एक खूबी है कि दोनों लीवर में साथ में भी चला सकता हूँ, जब इन दोनों को साथ में चलाते हो तो उस मोड को बोलते हैं हम मिक्स्ड मोड या ब्लेंडिंग मोड।
हाँ, ये कब फायदेमंद होता है? जब आपका खेत में नमी ज्यादा होता है या बुरबरे ज्यादा होता है, उपकरण अपने वजन से जमीन के अंदर घुस के लोड आ सकता है। तो जब आप मिक्स मोड में चलाते हो तो वो उपकरण ज्यादा जमीन के अंदर घुसने से रोकता है। ठीक, अभी तीसरा लीवर है, इसका नाम है ऑक्सिलरी लीवर। ऑक्सिलरी लीवर जो है, जैसे कि आपका टिपिंग ट्रॉली है या डोजर है, हाँ, बाहर या पलटी नागर है, वो सारे उपकरण के लिए फायदेमंद होता है। इम्प्लीमेंट उठाया, इम्प्लीमेंट रोका, सॉरी, और इम्प्लीमेंट को घुमाया, ठीक, या ट्रॉली उठाया, ट्रॉली को रोका या ट्रॉली को गिराया, तो सारा काम ये कर सकता है। डोजर को भी ऊपर नीचे करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसके साथ पीछे दो किवारसी है, जब पीछे जाएंगे मैं दिखाऊंगा आपको। और इसके साथ इधर आइए, जो हम इसके अंदर एलईडी लाइट्स भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली आगे में एलईडी लाइट दे दिया, इसके जो जो इंडिकेटर लाइट है, हेजार्ड लाइट है, यहाँ भी हो गए, पीछे भी हो गए, पूरे एलईडी लाइट दे रहे हैं। पहला ट्रैक्टर कंपनी है पूरी इंडिया में जो एलईडी लाइट्स, हेजार्ड लाइट, इंडिकेटर लाइट, पार्किंग लाइट में सब में एलईडी दे रहे हैं हम। लाइफ भी ज्यादा होगा और बहुत दूर तक रोशनी इसकी पहुंचती रहेगी, और एक स्टाइलिश जो फार्म ट्रैक ब्रांडिंग का है स्टाइल, तो हर चीज में हमने स्टाइल देने की कोशिश की। इसके साथ ही नहीं, ये फेंडर भी देख सकते हो आप, शीट मेटल इतना जाड़ा है, और इसकी मोल्डिंग देख सकते हो आप, इतनी अच्छी तरीके से मोल्डिंग हमने किए हुए हैं। तो इसमें भी स्टाइलिंग क्वालिटी भी है और स्टाइलिंग भी है। और टायर की बात करें तो हम इसके अंदर बड़े टायर दे रहे हैं, 14 9 28। 14 9 माने इसकी चौड़ाई हो गई 14.9 इंच, और इसके अंदर की अंदर रीडिंग जो इसकी डायमीटर है वो हो गई 28 इंच। बड़े टायर दे रहे हैं, बड़े टायर का फायदा ज्यादा स्पीड पकड़ेगा, और दूसरा ज्यादा लोड लेने की शक्ति भी इसके अंदर होता है, बड़ा काम होगा। और देखिए यहाँ एक काले जैसा एक रिंग दिख रहा है आपको, हाँ, इसको हम बोलते हैं रिम स्टिफनर। ये अलग है, रिम के साथ नहीं है, रिम से अलग है ये। तो होता क्या है कि अक्सर की कहीं पंचर वंचर होता है तो ज्यादा कम टाइट कर देते हैं लोकल मैकेनिक, इससे रिम को हानि पहुंच सकता है। तो रिम की प्रोटेक्शन के लिए हमने एक छोटा सा रिंग दिए हैं, रिम स्टिफनर, हार्डन मटेरियल के साथ हुआ आता है। पीछे आइए, अभी पीछे देखिए इतनी हेवी ड्यूटी बैकेंड हमने दिए हैं इसके अंदर। इसकी बैकेंड देख लो आप, एकदम सी हेवी है, दमदार। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने दिए हैं YB ब्रेक, टेल में डूबे ब्रेक, और इसमें दिए हमने EPI रिडक्शन, एपीसाइक्लिक या प्लेनेट रिडक्शन जो आप बोलते हो, माने एक सन गियर होता है, चारों तरफ तीन और गियर होते हैं, उसके बाद रिडक्शन होता है। ठीक, इसका फायदा क्या है? अब सोचिए, इसके अंदर आपने भरी हुई एक ट्रॉली लगा दी 10 टन, आप डाउनल में जा रहे हो, एकदम से आपको कुछ आ गया, साइकिल वाला आ गया, तो ट्रैक्टर ने ब्रेक लगा दी, YB ब्रेक है तो ट्रैक्टर एकदम से रुक जाएगा, मगर पीछे से धक्का कौन मारेगा? ट्रॉली। जब ट्रॉली पीछे से धक्का मारता है तो वो झटके कहाँ जाएंगे? व्हील में जाएंगे, व्हील से डायरेक्टली अंदर जाते हैं क्राउन पे। EPI होने की वजह से क्या है, वो जो झटके आते हैं, जितने भी झटके आए, वो EPI उस झटके को अगर 100% झटका है तो वो 33% 33% 33% उसको डिवाइड कर देता है, तो अंदर जब लोड जाएगा तो वो कम लोड जाएगा, तो इसकी क्राउन पिनियन की लाइफ लंबी होगी और ये रिडक्शन ताकत भी ज्यादा प्रदान करता है। साथ में देखिएगा इसके अंदर, यहाँ पर हमने जो इसकी एक्सल दी है वो रोबोस्ट एक्सल है, चौकोर वाली है। ये जो आई बोल्ट है इधर भी लगा सकते हो, ये आई बोल्ट इधर भी लगा सकते हो, मतलब ये एडजस्टेबल हो गया। जैसे कि अगर कोई डोजर का या लोडर का, ग्रेबर का चसी लगता है तो वो चसी इसके अंदर ही जाके यहाँ ऐसे बैठता है, जब ये एडजस्टमेंट मिल जाता है तो ये चौड़ा चसी है, छोटा चसी है, सारे फिट हो जाते हैं इसके अंदर। और हाइड्रोलिक्स की बात करें इस ट्रैक्टर में, तो जैसे कि मालूम ही है फार्म ट्रैक का हाइड्रोलिक्स बहुत फेमस है मार्केट में। इसमें फायदे ये हैं कि ये जो टोपलिंग माउंटिंग का ब्रैकेट है, तीन होल दिए हैं, देख सकते हो, 1 2 और 3। जैसे कि आपका जमीन सॉफ्ट है तो ये टोपलिंग आप यहाँ लगा लो, ये पिन यहाँ लगा लो, मीडियम है तो बीच में, या हार्ड है तो नीचे। इसका मतलब इसकी जो हाइड्रोलिक्स है, जैसे आपकी जमीन है हार्ड, मीडियम या सॉफ्ट, उसके हिसाब से ये सेंसिंग सेट कर लेता है अपने आप को। ठीक, और इसकी जो लिफ्ट की क्षमता हम बताएं, ये लोअर लिंक के अंदर
पूरा 1800 किलो पूरी इंडस्ट्री में इस एचपी कैटेगरी में बेस्ट है जो हम आपको प्रदान कर रहे हैं। आलू आलू की खेती हो गया या आलू बुने वाला मशीन हो गया, सारा लोड उसमें लोग भी बैठते हैं, सारा लोड इसमें लेने की क्षमता है। और भरी हुई ट्रॉली उठा के हिच करने में भी ये वाली शक्ति आपको बहुत फायदेमंद होता है। जैसे कि मैंने तीसरा लीवर का वहां फायदे बताए थे टिपिंग ट्रॉली पल्टी नागर वगैरह के लिए, उसको जो हाइड्रोलिक पाइपें आती हैं उसको जोड़ने के लिए हम यहाँ क्यूआरसी कपलर देते हैं आपको। ये लाल वाला जो है ये टिपिंग ट्रॉली के लिए हो गया, यहाँ दूसरा नीला वाला है जैसे कि आपने कोई पल्टी नागर लगाया या डोजर लगाया, ऐसे अन्य कोई आप उपकरण जिसमें दो हाइड्रोलिक की पाइपें आती हैं, कुछ प्लेंटर वगैरह भी आते हैं, तो ये सारे कामों के लिए सक्षम है। ठीक, और ये जो कपलर है इसका नाम है क्यूआरसी माने क्विक रिलीज कपलर, माने जैसे आपके घर में गैस सिलेंडर का रेगुलेटर लगाते हो वॉल सिस्टम, सेम सिस्टम है। तो मैंने इसको दबाया, यहाँ अंदर लगाया पिन और छोड़ दिया मतलब लॉक हो गया, फिर से मैंने दबाया फिर खींचा तो अनलॉक, मतलब इसमें कोई चूड़ी या स्पानर की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके अंदर जो है तेल भी नहीं गिरेगा। ठीक है, और इसकी जो बैकएंड देखोगे आप तो पूरी की पूरी फ्लैट बैकएंड है, बड़ी ट्रॉली है मध्यम ट्रॉली या छोटी ट्रॉली जैसी ट्रॉली है वैसे आप इसको हिचिंग कर सकते हो। इसका दूसरा फायदा यह है कि कोई प्रेशर आपने हिच कर दिया और प्रेशर को तो पावर चाहिए पीटीओ से कार्डन शाफ्ट से, तो आप हिचिंग भी कर सकते हो कार्डन शाफ्ट से ड्राइव भी ले सकते हो, हाँ दोनों काम साथ में कर सकते हो इसमें। और इसकी जो लोअर लिंक हाइट एडजस्ट करने के लिए हमने एक एडजस्टेबल लेवलिंग रॉड दिए हैं जो बॉक्स टाइप है, आपने उठाया और घुमाया और छोड़ दिया ऑटो लॉक भी हो जाता है। और ये लोअर लिंक टायर को ना टकराए इसलिए हमने सॉलिड स्टे बार दिए हैं स्क्वायर टाइप इसके अंदर। ठीक है, और प्लो लैंप दिए हैं जैसे कि मैंने जिक्र किया था, एलईडी का लाइट देख सकते हो आप, एक एलईडी लाइट ब्रेक लाइट ऑलरेडी जला हुआ है, दूर से आप देखोगे तो कोई ऑडी का कार जा रहा है उस तरीके से आपको ये दूर से दिखेगा। आइए और भी चीजें हैं मैं दिखाऊं आपको आगे। ठीक है, तो कुल मिला के यहां देख सकते हो एलईडी लाइट जैसे मैंने जिक्र किया था, आगे से भी एलईडी लाइट कितनी अच्छे से दिख रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि पाम ट्रैक आपको टेक्नोलॉजी से आगे कभी भी ले जाता है और इस बार फिर से आपको आगे ले जा रहा है पाम ट्रैक F20 से, मतलब विश्व का पहला ट्रैक्टर 2 HP वाला इंजन, 40 HP भी इसके अंदर है और 50 HP भी इसके अंदर है। जैसी जरूरत है किसान का, लोड में चाहिए तो 50 इस्तेमाल करो, लोड कम है तो 40 HP इस्तेमाल करो। तो आइए एक बार आप ट्रायल लीजिए इस ट्रैक्टर का और खुद पहचानिए कि क्या क्या इसके अंदर टेक्नोलॉजी से है। नमस्कार।